Computer Organization and Architecture Levels of Memory Part 2. इसमें हम स्टडी करेंगे थ्री लेवल्स ऑफ मेमोरी, ठीक है. फॉर एग्जांपल सीपीयू ने जो जनरेट किया है एड्रेस, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश मेमोरी में चेक करेगा. अगर कैश मेमोरी में डाटा नहीं है तो देन इट विल गो फॉर द मेन मेमोरी, और अगर मेन मेमोरी में भी डाटा नहीं है तो हार्ड डिस्क, राइट. ये जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम लेवल लेकर चलें तो इनमें से कोई भी हो सकता है या कोई और लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि अलग अलग लेवल्स को किस तरह से जो सीपीयू है वो एक्सेस करेगा, ठीक है. यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कैश के ही दो लेवल हों, ठीक है. कुछ सिस्टम में क्या होता है कि कैश के सिंगल लेवल नहीं होता, दो तीन लेवल होते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सीपीयू है जो एड्रेस जनरेट कर रहा है सबसे पहले लेवल वन पर चेक करता है. अगर लेवल वन पर नहीं है तो लेवल वन लेवल टू को एक्सेस करेगा, राइट. और अगर लेवल टू पर भी नहीं है देन इट विल गो टू मेन मेमोरी, राइट. तो ये जो लेवल है जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, जस्ट अज्यूम करके चले लेवल कुछ और भी हो सकते हैं, राइट. ओके, जो सीपीयू है वो किस तरह से एक्सेस करेगा मेमोरी को. फर्स्ट हो सकता है वो पैरेलली तीनों लेवल को एक्सेस कर रहा हो, राइट, जैसा कि हमने पहले किया था, ठीक है. और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें लेवल वन पर हिट हो गया है, राइट. तो इनके जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से थे. टी वन इज द एक्सेस टाइम फॉर लेवल वन, एस वन इज द साइज ऑफ लेवल वन, सी वन इज द कॉस्ट पर बाइट फॉर लेवल वन, एंड एच वन इज द हिट रेट, राइट. लेवल टू के लिए टी टू इज द एक्सेस टाइम, एस टू इज द साइज, सी टू इज द कॉस्ट पर बाइट, एंड एच टू इज द हिट रेट फॉर लेवल टू. लेवल थ्री टी थ्री इज द एक्सेस टाइम, एस थ्री इज द साइज, एंड सी थ्री इज द कॉस्ट पर बाइट. यहाँ पर हम एच थ्री क्यों नहीं मैंशन कर रहे हैं. सी अगर सीपीयू कोई भी एड्रेस जनरेट कर रहा है, कोई भी डाटा एक्सेस करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सिस्टम में मेमोरी में है, ठीक है. ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये सिस्टम के मेमोरी लेवल हैं, पर्टिकुलर सिस्टम के थ्री लेवल्स हैं, और सीपीयू इन लेवल्स के गो थ्रू होकर ही डाटा एक्सेस कर रहा है. तो ऑब्वियसली वो डाटा आपके सिस्टम में ही कहीं है. तो यहाँ पर जो अगर हम एच थ्री की बात करें वो हमेशा बाय डिफॉल्ट वन रहेगा, ठीक है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर लेवल वन और लेवल टू पर नहीं मिला है तो डाटा ऑब्वियसली लेवल थ्री पर होगा, ठीक है, जिसे कि सीपीयू एक्सेस करेगा, ठीक है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जो एवरेज टाइम है एक्सेस का वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. एच वन टी वन, एच वन टी वन इज फॉर फर्स्ट लेवल, राइट. अगर सी अगर ये हम अज्यूम करें कि लेवल वन पर ही डाटा मिल गया है तो एक्सेस टाइम जो है वो क्या होगा, बाकी जो लेवल्स हैं उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है. मतलब क्या है, H1 और T1 की वैल्यूज जो है वो राइट डाउन करेंगे, और अगर यहीं पर अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिया होगा कि लेवल वन पर फाइंड आउट हो गया तो ऑब्वियसली बाकी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है. ओके, हो सकता है कि लेवल वन पर ना मिले, लेवल टू पर मिल जाए, तो ये जो वन माइनस एच वन एच टू टी टू यहाँ तक फॉर्मूला जाएगा, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास होंगी, जो बाकी वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो एवरेज का है, तीनों के एवरेज फाइंड आउट करने का, ठीक है. इसमें देखिए क्योंकि ये पैरेलली वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली हर एक का एक्सेस टाइम हर एक लेवल पर ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर टी वन है, ये टी टू का है और ये टी थ्री का है, यहाँ पर सब पैरेलल काम कर रहे हैं, बट क्योंकि इनका टाइम जो है डिफरेंट है प्लस हिट रेट भी अलग है, ठीक है. तो उसके लिए फॉर्मूला अलग अलग एडिशन कर रहा है, अदरवाइज अलग से टाइम किसी को नहीं लग रहा है. जस्ट वो जो ऑब्वियसली जैसे इसका अगर 1 नैनो सेकेंड है और इसका 10 नैनो सेकेंड, ऑब्वियसली वो डिफरेंस तो आएगा ही, राइट. और हीट रेट भी अगर अलग है तो उसकी वजह से भी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आएगी, ऑब्वियसली उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. बट ये पैरेलली वर्क कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉस्ट एवरेज. कॉस्ट एवरेज इज सी वन एस वन, ये लेवल वन के लिए, प्लस सी टू एस टू लेवल टू का, प्लस सी थ्री एस थ्री लेवल थ्री का, और डिवाइड बाय एस वन एस टू एस थ्री तीनों के साइज का एडिशन, राइट. दूसरा केस क्या हो सकता है, सीपीयू किस तरह से एक्सेस कर सकता है. सीपीयू सिक्वेंशली एक्सेस कर रहे हैं. सिक्वेंशली कैसे, लेवल वन को एक्सेस किया, अगर लेवल वन में फाइंड आउट नहीं हुआ देन लेवल वन विल गो टू द लेवल टू, राइट. देन अगर लेवल टू पर नहीं है तो लेवल टू विल गो टू लेवल थ्री,
राइट। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये तीनों एक साथ सीपीयू एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर सीपीयू सिर्फ लेवल वन को एक्सेस कर रहा है और ये डाटा यहाँ से होकर बैक टू सीपीयू जाएगा, राइट। अगर हम यही पैरामीटर तीनों में ज्यूम करें तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एच वन टी वन इज फॉर द लेवल वन प्लस वन माइनस एच वन एच टू टी टू प्लस टी वन। सी यहाँ पर क्या है, दोनों का एक्सेस टाइम क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर लेवल वन पर ही मिल जाता है तो बाकी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी और एच वन टी वन आंसर रहेगा, ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगी। बट अगर लेवल वन पर नहीं है देन क्या होगा, मिस होगा, और ये जो है मिस का लिए दोनों का हिट रेट जाएगा प्लस दोनों का टाइम जाएगा, क्योंकि पहले ये इसको एक्सेस कर रहा है देन इसको एक्सेस कर रहे हैं, पैरेलली काम नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम ऐड होगा, राइट। इसी तरह से लेवल थ्री का भी है, वन माइनस एच वन इंटू वन माइनस एच टू टी टू प्लस टी वन प्लस टी थ्री, तीनों का ऐड हुआ है क्योंकि जो सर्चिंग है वो तीनों लेवल पर वन बाय वन गई है, तीनों का टाइम ऐड होगा, राइट। ओके, जो कॉस्ट एवरेज है दोनों का सेम फॉर्मूला रहेगा, लेट मी टेल यू, सी वन एस वन प्लस सी टू एस टू प्लस सी थ्री एस थ्री डिवाइड बाय एस वन एस टू एस थ्री, दोनों का सेम है, राइट। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं गेट का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, 2004 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कंसिडर ए सिस्टम विद टू लेवल कैश। टू लेवल कैश का मतलब क्या है कि सिस्टम में जो कैश के लेवल है वो टू है, यहाँ पर टू लेवल मेमोरी की बात नहीं हो रही है, टू लेवल कैश है और एक्सेस टाइम ऑफ लेवल वन एंड लेवल टू कैश एंड द मेन मेमोरी। ऑब्वियसली मेन मेमोरी पिक्चर में आ रही है, इसका मतलब कैश के ही दो लेवल है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। ये टोटल कितनी मेमोरी हुई, थ्री लेवल मेमोरी हुई, राइट, कि एक लेवल कैश का देन एक और लेवल कैश का देन मेन मेमोरी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फिर से रीड करते हैं, एक्सेस टाइम ऑफ लेवल वन लेवल टू कैश मेमोरी आर 1 नैनो सेकेंड 10 नैनो सेकेंड एंड 500 नैनो सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द हिट रेट्स ऑफ लेवल वन एंड लेवल टू कैशेज आर 0.8 0.9 रिस्पेक्टिवली। सी यहाँ पर लेवल वन और लेवल टू कैश का हिट रेट दिया हुआ है, लेवल थ्री मतलब मेन मेमोरी का नहीं दिया हुआ है, जिसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, मेन मेमोरी का वन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दोनों लेवल पर नहीं मिला है तो सिस्टम में ऑब्वियसली जो डाटा है वो है लास्ट वाले लेवल पर होगा जो कि मेन मेमोरी दी गई है, ठीक है। तो मेन मेमोरी का जो हिट रेट है वो वन रहेगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द टाइम विद इन द कैश। मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर जो ऊपर के हिट, ये जस्ट एक जनरल लाइन ऐड की गई है, बट अगर इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये जस्ट यही कहा गया है, जो सिस्टम के विद इन सर्च टाइम है वो इग्नोर करना है, बट जो ऊपर के एक्सेस टाइम है और जो हिट रेट है उनको हम कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, टी एवरेज मतलब एक्सेस टाइम एवरेज इज इक्वल टू टी एच वन टी वन प्लस वन माइनस एच वन एच टू टी टू प्लस वन माइनस एच वन इंटू वन माइनस एच टू इंटू टी थ्री। इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे एच वन की वैल्यू, मतलब हिट रेट फॉर लेवल वन इज 0.8 इंटू टी वन, जो टी वन है टी वन मतलब लेवल वन वो है 1 नैनो सेकेंड इंटू वन लिखा हमने, प्लस वन माइनस एच वन, वन माइनस एच वन मतलब वन माइनस 0.8 इंटू एच टू क्या है, हिट रेट फॉर लेवल टू कितना देवे 0.9, हमने 0.9 लिखा है, इंटू टी टू, टी टू मतलब जो एक्सेस टाइम है लेवल टू का, जो एक्सेस टाइम है वो कितना है 10 नैनो सेकेंड, तो हमने यहाँ 10 लिखा है, राइट, प्लस वन माइनस एच वन, वन माइनस 0.8, वन माइनस एच टू मतलब वन माइनस 0.9 एंड टी थ्री इज एक्सेस टाइम फॉर लेवल थ्री। लेवल थ्री यहाँ पर कौन सा है, मेन मेमोरी, वो है 500, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.6 नैनो सेकेंड, राइट। ओके,